हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एन वाला एंड दिस यशिका मैम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग का सबसे पहले लेक्चर नंबर वन अब मैं प्लांट ब्रीडिंग बोल रही हूँ बट चैप्टर लिखा हुआ है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ऑल दो रिलेटेड पोर्शन है बट मैंने आपसे कमिटमेंट की थी तो हेयर हैं विद दिस चैप्टर और ये है लेक्चर वन इस पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे दो लेक्चर्स में टुडे यू विल रिसीव द लेक्चर नंबर वन ठीक है एक चीज़ और बेटा जब भी आप लेक्चर एनसीईआरटी में देखते हो तो उसमें प्लांट्स का भी आता है और एनिमल्स का भी आता है सिंस आई डील विद दी बॉटनी सेक्शन तो मैं आपको सिर्फ प्लांट ब्रीडिंग का ही पढ़ाऊँ पढ़ाऊंगी क्योंकि मैं एनिमल्स नहीं डील करती बेटा तो आपको ऐसा अब जब आप पढ़ोगे एनसीईआरटी तो ये मत सोचना कि आपको एनिमल ब्रीडिंग पढ़ाया नहीं एनिमल ब्रीडिंग कम्स अंडर द सेक्शन ऑफ जोलॉलॉजी सो आई विल बी टेकिंग द प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट ठीक है सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो जैसा इस चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन के जो वो है उसको इंक्रीज किया जाए अच्छा क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करना होता सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज़ करने से काम नहीं चलता आपको क्वालिटी भी इंक्रीज़ करना पड़ता है अच्छा सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि फूड के प्रोडक्शन को इन्हांस करने की ज़रूरत क्यों है बिकॉज आपको पता है बेटा कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है पॉपुलेशन का कोई जवाब तो है नहीं इंडिया तो वैसे ही लीड करती उसमें तो इतनी जो जनसंख्या बढ़ रही है बेटा उनके खाने पीने का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना दैट मीन्स डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपने अपने हिस्ट्री वगैरह में ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा तो वो वही एरा था जहाँ पर खाने का प्रोडक्शन का क्वांटिटी एक ट्रेमेंडसली इंक्रीज हुआ था तो वही सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आपको याद करने का ज़्यादा है समझने का थोड़ा कम है बिकॉज सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा तो अगर आप थोड़ा समझ थोड़ा सा समझ के याद करोगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों को ये चैप्टर इतना पसंद नहीं आता बिकॉज इट्स मोर ऑफ लर्निंग बेस्ड बट आपको लर्न करना है अगर आंसर्स अच्छे लिखने हैं बोर्ड्स में नंबर लाने हैं बेटा तो किसी प्रकार का भान तो चलेगा नहीं पढ़ना तो पड़ेगा ही ओके सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट वॉट इज प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करते हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग में जेनेटिक मैन्युपुलेशन होती है या आप कह सकते हो मॉडिफिकेशन होती है और ये जो मैन्युपुलेशन होती है ना बेटा दिस इज पर्पजफुली मतलब पर्पस के साथ तो मैन्यूपुलेट या मॉडिफाई कर दो ऐ नहीं कर दोगे दो इज अ पर्पस बिहाइंड इज अ एम बिहाइंड आप मैन्युपुलेशन मॉडिफिकेशन किसी भी एक प्लांट जीन में क्यों कर रहे हो तो अगर किसी प्लांट का ईल्ड अच्छा नहीं है उसको बढ़ाने के लिए कर दो उसका पर्पज फुल अगर उसका ईल्ड अच्छा उसको कीड़े लग जा रहे हैं कर दो उसका मैनुपुलेशन अगर उसकी क्वालिटी इंक्रीज करनी है उसमें वाइटमिन प्रोटीन्स मिनरल्स की कमी है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है कर दो मैनुपुलेशन हर मैनुपुलेशन मॉडिफिकेशन के पीछे एक पर्पस एक नीड छुपी होती है बेटा तो जब किसी प्लांट का पर्पजफुल मोडिफिकेशन कराते हो क्यों कराते हो कि जो आने वाला पौधा है वो तुम्हारा सुपीरियर वैरायटी का मिले अगर हम एक पौधे को बेटा सुपीरियर वैरायटी का कहते हैं सुपीरियर प्लांट उसको कहते हैं तो उसको सुपीरियर क्यों कहा जाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट से बेहतर है पेरेंट के पास उसकी अच्छी यील्ड नहीं थी बट ये जो आ रहा है वो बेहतर यील्ड का है पेरेंट्स को कीड़े लग जाते थे, डिजीज खा जाता था, but ये वाला जो आपने सुना है ना इलेवेंथ क्लास में कि वायरस हमारे पेड़ को खराब कर सकते हैं टोबैको मोजाक वायरस टोबैको को खराब कर देता है बड़े सारे फंगस है बेटा जिन्होंने खेती कितनी सारी खराब की है एक फंगस ने आयरलैंड में तो पूरी पूरी आलू की ही खेती हमारा फेवरेट आलू की खेती को खराब कर लिया था बैक्टीरिया कितने सारे डिजीज कॉर्स कर सकते हैं प्लांट्स में है ना तो अगर हमने प्लांट्स को खेती को बचाना चाहते हैं पैथोजन से तो प्लांट ब्रीडिंग करना चाहिए ठीक है तो तुम प्लांट ब्रीडिंग के बाद जो तुम्हें सुपीरियर वैरायटी मिलेगी वो पैथोजन से भी बना लेगी और कीड़ों से भी बचा लेगी कीड़े भी हमारे खा जाते हैं आपने देखा होगा प्लांट पे कीड़े घूमते रहते हैं तो उनको पेस्ट कहा जाता है ठीक है और इवन इनको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से भी प्रोटेक्शन मिलती है अब ऐसा नहीं है कि बेटा इतने सेंसिटिव हो थोड़ा एक दो दिन बारिश नहीं हुई तो मर जाए नहीं दे शुड रेजिस्ट दी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस फ्लड ड्राउट वगैरह को ये थोड़ा सा रेजिस्ट इनकी टॉलरेंस लेवल अच्छी हो तो ये फायदा होता है सुपीरियर वैरायटी का तो व्हाट आर द डिफरेंट एम्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग देखो हमने अगर आपसे पूछा जाएगा प्लांट ब्रीडिंग तो डेफिनेशन लिख दोगे उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा प्लांट ब्रीडिंग का एम बताओ तो एक करके एम लिखोगे एम क्या है कि जो भी ईल्ड है ठीक है जो भी क्रॉप है उसकी ईल्ड को इंक्रीज कर सको आप ठीक है क्वांटिटी को इंक्रीज कर सको क्यों क्वांटिटी इंक्रीज करना है बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है उस बढ़ते पॉपुलेशन के लिए खाना भी बढ़ाना पड़ेगा दूसरा क्या है बेटा जो डिजीज़ रेजिस्टेंस है बना सको उन प्लांट्स को उन क्रॉप्स को आप डिजीज़ रेजिस्टेंट बनाओ अगेंस्ट पैथोजेंस पैथोजेंस में क्या आते हैं वायरस बैक्टीरिया फन आप उनको डिजीज रेजिस्टेंस बना सको किसके पेस्ट या इंसेक्ट्स के आप अच्छा आपने क्वांटिटी तो इंक्रीज़ कर ली बेटा अगर उस क्वांटिटी में कीड़े लग जा रहे हैं उस राइस की खेती में कीड़े लग जा रहे हैं तो फ़ायदा क्या हुआ पैसे वेस्ट हो रहे हैं बस आपके इसीलिए जब आप क्वांटिटी इंक्रीज़ कर रहे हो तो आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि उसमें किसी प्रकार का डिजीज़ और कीड़ा ना लगे तभी तो वो क्वांटिटी एंड में आपको मिलेगी आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी पता चल गया सारे खेतों में कीड़े ही लग गए फ़ायदा क्या है सारे खेतों में पैथोजन अटैक हो गया फायदा क्या है एक और एम होता है वो एम ये है बेटा कि जब आप एक प्लांट ब्रीडिंग करते हो किसी एक सुपीरियर प्लांट वेराइटी को बनाने के लिए उसके उस प्लांट में अगर क्वालिटी ना हो आप खाना खा रहे हो बेटा आप मेज़ खा रहे हो आप चावल खा रहे हो आप गेहूं खा रहे हो बट उसमें क्वालिटी ही नहीं है उसमें आयरन प्रोटीन मिनरल्स की कमी है तो फ़ायदा क्या ऐसे खाने का बेटा तुम खाना तो खाओगे बट यू विल स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन क्यों कहा जाता है बैलेंस डाइट लेने के लिए क्यों हमें जंक फूड खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि क्यों मैगी खाने के लिए मना किया जाता है क्योंकि मैदा है बेटा मैदा में इतनी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी नहीं होती है तुम खा रहे हो बस वो मैदा जमता चला जाता है इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं ऐसी चीज़ खाओ जो तुम्हें कुछ दे न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम्हारे अंदर ऐड करे है ना तो खाना का क्वांटिटी इंक्रीज करने से कोई मतलब नहीं है उस खाने में प्रॉपर क्वालिटी होना चाहिए अगर हम खाने की क्वालिटी का बात करते हैं बेटा तो हमारा उससे कहने का मतलब होता है कि उस खाने में एसेंशियल मिनरल्स हो वाइटमिनस हो प्रोटीनस हो आयरन हो ठीक है तब ये ऐसे एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं जो तुम्हारे ग्रोथ को कंट्रोल करेंगे तो फायदा है ऐसे खाना खाने का तो क्वांटिटी के साथ बेटा क्वालिटी आल्सो मैटर्स ठीक है तो क्वालिटी भी इंक्रीज करना इनका ये केम होता है ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है एक और होता है बेटा फिफ्थ कि आप जो प्लांट ब्रीडिंग का एम है टू मेक देम इन टू मेक रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, अगेंस्ट इनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। सो ये एम होता है किसका बेटा प्लांट ब्रीडिंग का तो आपको एक एक प्लांट ब्रीडिंग के एम्स इसी तरीके से लिख देना यू विल गेट दी फुल मार्क्स ठीक है अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्टेप्स इन प्लान ब्रीडिंग बट उन स्टेप्स को पढ़ने से पहले आओ एन सी आर टी की रीडिंग लगा देते हैं कि क्यों आई प्लान ब्रीडिंग ज़रूरत क्या थी प्लान ब्रीडिंग की अच्छी खासी ब्रीडिंग की टेक्निक तो पहले भी चल रही थी तो हम प्लान ब्रीडिंग पर स्विच क्यों किए इस मेथड इन स्टेप्स को क्यों अपनाया तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी वो सिर्फ लिमिटेड बायोमास को ही जेनरेट करती थी जिसको हम एज अ फूड फॉर ह्यूमन्स और एनिमल्स मतलब एज अ फूड इस्तेमाल कर सकते थे जो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस आई और जब एरिया में इंक्रीज हुआ एकर लैंड में तो उससे ईल्ड तो बढ़ा ठीक है बट ये ईल्ड भी इट वॉज देयर फॉर ओनली लिमिटेड एक्सटेंट प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी इसने हेल्प किया टू इंक्रीज द ईल्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट ठीक है प्लांट ब्रीडिंग अपना करके हमने फूड के प्रोडक्शन को काफी एक्सटेंट तक इंक्रीज किया जो ट्रेडिशनल फार्मिंग का इस्तेमाल करके बेटा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फिर एनसीआरटी कहती है सबने ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में तो सुना ही होगा नाम तो सुना होगा बिल्कुल सुना होगा बेटा आपने नाम ये वो एरा था उन्नीस से लेकर के दो तक और इस एरा में वीट और राइस का ट्रेमेंडस प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था ये आपको पढ़ाया जाता है इस रिवोल्यूशन को ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया बड़े सारे रिवोल्यूशन होते हैं बेटा पिंक होता है सिल्वर होता है व्हाइट रिवोल्यूशन होता है बट आपके सिलेबस में सिर्फ ग्रीन रिवोल्यूशन है ग्रीन क्यों क्योंकि इसमें इस रिवोल्यूशन में इस एरा में इस टाइम में ग्रीन क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज किया था सीरियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था ठीक है तो ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ था विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री टू नॉट म्योरली मीट द नेशनल रिक्वायरमेंट इन द फूड प्रोडक्शन बट ऑल्सो हेल्ड डस इवेंट टू एक्सपोर्ट इट इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था बेटा कि सिर्फ हमारे इंडिया हमारे कंट्री की डिमांड मीट नहीं हुई थी ठीक है एक्सपोर्ट भी किया गया था बाहर ठीक है और आपको पता है हम बहुत सारे चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हम हमारे क्योंकि आपको पता है कि 60 परसेंट से ज़्यादा हम वैसे भी इंडिया को कृषि प्रधान देश कहते हैं तो बहुत सारे फार्मर्स से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है तो इतना अमाउंट में इंक्रीज प्रोडक्शन होता है तो हमारे इंडिया की भी जो डिमांड है वो भी पूरी होती है प्लस वी कैन एक्सपोर्ट इट आउटसाइड दी कंट्री एज वेल इतना ज्यादा था ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन अ प्लांट ब्रीडिंग और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया था बेटा दैट वॉज टोटली पॉसिबल एंड इट वॉज बेस्ड ऑन प्लांट ब्रीडिंग अगर ये नहीं होता तो शायद तुम ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम वो एरा वो जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था नहीं सुनते ठीक है इसी ने हेल्प की प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक्स ने हेल्प की कि हाई ईल्ड वराइटीज बने ठीक है डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज बन सकी वीट राइस और मेज़ की तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन से वीट राइस मेज़ आए थे वो डिजीज रजिस्टेंट वाले भी थे और उनका प्रोडक्शन लील्ड भी ज्यादा था उसके बाद एक और लाइन है एनसीआर की वो भी पढ़ाती हूँ प्लांट ब्रीडिंग है क्या प्लांट ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया था ना कि हम प्लांट स्पीशीज का पर्पज फुल मैनिपुलेशन करते आपके पर्पज ऑलरेडी डिसाइडेड है जैसे आप तो पढ़ रहे हो तो आपके मन में माइंड में पर्पज इज ऑलरेडी डिसाइडेड दैट यू हैव टू स्कोर मोर देन नाइन्टी नाइन्टी फाइव प्लस और इवन यू कैन स्कोर हंड्रेड ठीक है तो आपका भी एक एम है एक एम के साथ अगर लक्ष्य की तरफ बढ़ोगे बेटा तो डेफिनेटली निशाना सही जगह पर लगेगा तो तो प्लांट रीडिंग भी जब करते हैं ना तो एक पर्पस एक एम के साथ करना चाहिए तो वही पर्पसफुल मैनिपुलेशन को हम प्लांट रीडिंग कहते हैं और ये अपना करके बेटा आपको एक डिज़ायर्ड प्लांट टाइप मिल जाता है और वो प्लांट टाइप जो मिलता है बेटा दैट इज़ बेटर सूटेड फॉर कल्टिवेशन ठीक है जो जो भी वैरायटी आती है वो कल्टीवेशन के लिए भी बेहतर है वो ईल्ड के रिस्पेक्ट में भी बेहतर है और वो डिजीज रेजिस्टेंस भी है कन्वेंशनल प्राण ब्रीडिंग तो बेटा बरसों से चली आ रही है सिंस द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन ठीक है अगर मैं 9011 साल पहले की बात करूं बहुत सारे आज के जो क्रॉप्स हैं जो आज आज क्रॉप्स देखते हो ये वाइल्ड क्रॉप्स को डोमेस्टिकेट डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या है एक डोमेस्टिक एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल में फर्क क्या होता है बेटा एक डोमेस्टिक एनिमल अंडर द ह्यूमन केयर होता है एक वाइल्ड एनिमल्स का हम ध्यान नहीं रखते है ना तो क्या कहने का मतलब है कि आजकल के जो प्रेजेंट क्रॉप्स आप देख पा रहे हो ये हो सकता है कि वाइल्ड क्रॉप्स को जब हमने डोमेस्टिकेट किया उनका ध्यान रखा ह्यूमन केयर प्रॉपर मैनेजमेंट उनकी प्रैक्टिस पे ध्यान दिया तो आज जाकर के वो आपको क्रॉप नजर आ रहे हैं दी मार्केट तो मेनी प्रेजेंट डे क्रॉप्स आर द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन इन एशियन टाइम्स आज जितने भी मेजर फूड क्रॉप्स डिराइव किए गए हैं दे आर द रिजल्ट फ्रॉम द डोमेस्टिकेटेड वैराइटीज़ जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होता है बेटा वो इन्वॉल्व करता है क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है ठीक है आर्टिफिशियल हाइब्रडेशन कैसे कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है स्टेप्स क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है ठीक है और उसके बाद जो बहुत सारे बच्चे आते हैं बेटा उनमें से सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स को ढूंढा जाता है तो सेकेंड क्या होता है सेलेक्शन ठीक है टू प्रोड्यूस प्लांट्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स ये दो मेन स्टेप्स होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के ठीक है उसके बाद जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंस होता है उसमें आप कौन कौन से ट्रेड्स देखते हो आप ये देखते हो उसकी बेटर ईल्ड हो आप ये देखते हो न्यूट्रिशनल वाइज क्वालिटी उसका अच्छा हो आप ये देखते हो उसको डिजीज़ ना लगे उसको कोई कीड़े ना लगे ऐसे वाले रिकॉम्बिनेंट ऐसे वाले हाइब्रिड को आप ढूंढ लेते हो तो उसको फिर मार्केट में आप बेचना शुरू कर देते हो अब कोई भी किसान उस सीड को ख़रीद के अपने ज़मीन पे लगाएगा तो उसको वो सारे क्वालिटी मिलेगा जो प्लांट ब्रीडिंग के सीड में मिलता है वो के फॉर्म में मिलेगा उसको ठीक है तो आओ देखते हैं what are the different steps in plant breeding? Steps, ऐसे ही लिखना है आपके जब पेपर में आएगा तो क्या स्टेप है बेटा सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी उसको हम क्या कहते हैं जर्म प्लाजम सबसे पहला स्टेप है जर्म प्लाजम कलेक्ट करना ठीक है और व्हाट इज जर्म प्लाज्म तो जर्म प्लाज्म में देखो क्या डिफाइन जैसे सीधा का सीधा आपसे जर्म प्लाज्म को डिफाइन करने के लिए भी कह सकते हैं तो जर्म प्लाजम क्या होता है बेटा कलेक्शन ऑफ सीट्स विथ ऑल डाइवर्स एलिज फॉर अ क्रॉप इज कॉल्ड एज जर्म प्लाजम कलेक्शन जैसे बेटा मैं आपको बोलूं कि इस इंडिया में जितने भी मैंगो के वैरायटी हैं उसके सारे के सारे प्लांट एक जगह एक रूम में इकट्ठा करके दिखाओ बहुत सारे बच्चे अपने हाथ खड़े कर देंगे कि मैम हम सारे के सारे मैंगो के पेड़ को आम कोई छोटा मोटा पेड़ तो है नहीं मैम आम तो इतना ह्यूज पेड़ है हम सारे के सारे आम के पेड़ को एक साथ एक जगह एक रूम में कैसे रख सकते हैं ना क्यों नहीं रख सकते वो आम का पेड़ बना किससे बेटा सीड से है ना तो मैं मैंने बोली है एक जगह एक वैरायटी इकट्ठी करो तुम्हें अपना दिमाग लगाना है अब दिमाग लगाने का मतलब ये थोड़ी कि पेड़ उठा करके ले आओगे नहीं तुम उनकी सीड भी ले आओ तो चल जाएगा ठीक है मैंगो की इतनी वैरायटी जो पॉसिबल है वो कहाँ से बन रही तुमने बीजी तो लगाया होगा ज़मीन में कि उतना बड़ा पौधा निकला है।, है ना तो जर्म प्लाजम का मतलब क्या है एक प्लांट के जितने भी डिफरेंट टाइप पॉसिबल है जितने भी वराइटी पॉसिबल है उन सब को एक जगह इकट्ठा कर लो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि सब के से इकट्ठा कर लो क्योंकि सीड दैज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उस सीड के पास वो सारे एलिलिक कॉम्बिनेशनस होंगे वो सारे जेनेटिक वेरिएशन होंगे ठीक है और अगर तुमने डिफरेंट सीड्स इकट्ठा कर ली हर प्लांट की मान लो आम के पेड़ के सौ वेराइटीज़ है फॉर एग्जाम्पल आई एम सेंगे सौ से ज़्यादा होते हैं तुमने सौ सीड आम के इकट्ठा कर ली एक जगह ठीक है यूकिलिप्ट के जितने पॉसिबल है गुआवा के जितने पॉसिबल है सब के तुम सारे प्लांट्स के सीड को एक जगह एक रूम में इकट्ठा कर लो उसको हम बोलते हैं जम प्लाजम तो व्हाट इज जम्प प्लाज्म इसमें सीड का कलेक्शन होता है क्योंकि सीड के पास बेटा सारे डाइवर्स एलील्स होंगे फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप या प्लांट स्पीशीज इसको हम बोलते हैं जम प्लाजम सारी वराइटी को एक जगह इकट्ठा कर लेना ठीक है अब ये क्यों करते हैं हम जैसे बेटा आपने बहुत सारे प्लांट्स इकट्ठा कर लिए वो प्लांट्स इकट्ठा करने का मतलब हमारे सीड है ठीक है क्योंकि प्लांट इतने बड़े बड़े तुम इकट्ठा नहीं कर सकते एक साथ एक रूम में तो कभी नहीं आएंगे वो बट सीड छोटे होते हैं वो आ सकते हैं अब तुम्हारे पास समझ लो पचास हजार सीड है उस पचास हजार सीड का मतलब है तुम्हारे पास पचास हजार प्लांट वैरायटी है तुम्हारे पास इतना झुंड है आप उस झुंड में से तुम अपने मन मुताबिक के पेरेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन ठीक है उस ऑप्शंस में से आप दो ऐसे पेरेंट्स को इकट्ठा कर सकते हो जिनके आपको ट्रेड्स को कंबाइन करना है टू गेट अ सुपीरियर प्लांट तो ये फायदा होता है जर्म प्लाज्म का कि आपको क्या मिल जाती है बेटा वेरिएबिलिटी आपको वेरिएशन मिल जाती है तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलता है अच्छा ये नहीं तो चलो ये खा लेते हैं ये नहीं तो चलो ये खा लेते शादी में तो होता है ना ऐसा सिमिलरली जर्म प्लाज्म कलेक्शन से फायदा ये होता है बेटा यू गेट टू सी दी वेराइटी और किसी भी प्लांट ब्रीडिंग का वेरिएबिलिटी होना इज द रूट कॉज ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं बेटा प्री एग्जिस्टिंग वैरायटी वो कहा से मिले हैं वाइल्ड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ये तो मैंने आपको पहले भी बढ़ा, बढ़ाया था और ये क्यों आ पाया बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन अब जब तुमने जम प्लाजम कर लिया है तुम्हारे पास पचास हजार सीड है सबके साथ एक टाइम पे काम नहीं करोगे उसमें से दो को सेलेक्ट करोगे एज अ पेरेंट वन इज मेल वन इज फीमेल तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाता है बेटा इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स उन पचास सीड में तुम इवेलुएट करो अच्छा किसके साथ तुम्हें काम करना है उसके बाद तुम ऐसा दो को पेरेंट की तरह सेलेक्ट करो तो देखो क्या लिखा हुआ है एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स तो जर्म प्लाजम को किया जाता है सो दैट पेरेंट्स जिनका डिजायरेबल कैरेक्टर्स उनको सेलेक्ट कर लिया गया अब सेलेक्ट कर लिया तो क्या करा दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तुमने सेलेक्ट किया है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नेचुरली आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इसको क्या बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसके स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे कहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आओ चलो क्या होता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो भी तुमने पेरेंट सिलेक्ट किया है तुमने दो पेरेंट सिलेक्ट किया था फॉर एग्जाम्पल एक सिलेक्ट किया था बेटा प्लांट ए और एक किया था प्लांट बी प्लांट ए का ईल्ड अच्छा था बेटा ईल्ड वॉज गुड बट इसको कीड़े लग जाते थे इसको कीड़े लग जाते थे तो, तो फायदा क्या ईल्ड का है ना प्लांट बी का ईल्ड इतना अच्छा नहीं था बट इसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा था इसको कीड़े वगैरह डिजीज वगैरह नहीं लगती थी डिजीज रेजिस्टेंट गुड बट ईल्ड नॉट गुड ईल्ड नॉट गुड इसका डिजीज रेजिस्टेंस नॉट गुड डिजीज रेजिस्टेंस नॉट गुड आप क्या कर सकते हो इस दोनों प्लांट को क्रॉस हाइब्रिडाइज करा के दोनों के अच्छे गुण एक बच्चे में आप ला सकते हो हाइब्रिड में ला सकते हो तो इन दोनों को तुमने क्रॉस हाइब्रिडाइज किया अब ये जो हाइब्रिड बन करके आएगा दिस हाइब्रिड विल बी कॉल्ड एज सुपीरियर और सुपीरियर इसलिए क्योंकि इसके पास पेरेंट से बेहतर क्वालिटी होगा क्योंकि इस बच्चे के पास बेटा ईल्ड भी अच्छा होगा और इसके पास डिजीज रेजिस्टेंस भी होगा तो ये फायदा होता है बेटा क्रॉस हाइब्रिडेशन का तुमने दो पेरेंट सेलेक्ट किए किसी गुड़ के साथ किसी गुड़ के साथ बट इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिला दिया तो हाइब्रिडाइज करा करके तुम्हें दोनों कैरेक्टर्स यहां पर दिख रहे अच्छे वाले इनको बोलते हैं सुपीरियर कैसे कराते हैं आपको ऑलरेडी पता है पेरेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं अगर बाई सेक्शुअल फ्लावर है तो इमेस्कुलेशन कराते हैं मैंने आपको पढ़ा रखा है जिसमें आंसर्स को रिमूव किया जाता है याद करो अब सिग्मा पर कोई और ना गिर जाए पॉलिन ग्रेन तो क्या करते थे उसको कवर कर देते थे बैगिंग फिर स्टिग्मा जब मेच्योर होती थी बैग खोलते थे अपने हिसाब का पोलिन ग्रेन डस्ट करते थे इन दोनों पेरेंट्स में कोई एक मेल होगा ना मान लो ये मेल था तो इस पॉलिन ग्रेन ले जाएंगे और इसके स्टिग्मा के ऊपर गिरा देंगे अब इसका स्टिग्मा पे कोई और पोलिन ना गिर जाए तो दोबारा से कवर कर देते तो क्या लिखते थे क्या लिखते थे बेटा री बैगिंग ठीक है डी बैग क्या करते थे पोलिन गिराते थे रिमूव करके बैग को फिर दोबारा कवर कर देते थे तो ये हमने पढ़ा हुआ है सिर्फ रिवाइज कराने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपसे स्टेप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइड्रेशन आए आप ये लिख दोगे इन सब की डेफिनेशन भी लिखवाई थी मैंने आपको बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो अगर आप भूल गए हो तो वो लेक्चर फिर से देख लेना उसके बाद जब तुमने कर लिया बेटा ठीक है अच्छा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट टेक्स टाइम ऐसा नहीं होता तुमने चुटकी बजाई हो गया इसीलिए एनसीआरटी इसको लिखती है दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग स्टेप बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम सीड जितने जल्दी हमने बना दिया बच्चा जितने जल्दी हमने बना दिया उतने जल्दी थोड़ी बनता है इट इज गोइंग टू टेक टाइम अब बेटा एक सीड थोड़ी है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ लॉट मेनी सीड्स बट उस सीड में तुम्हें ऐसे सीट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो सुपीरियर होगा और सुपीरियर कहने का मतलब है ऐसे भी होंगे जिसके पास सिर्फ अच्छा लेकिन तुम्हें वो एक ऐसी होगी बेटा उन हंड्रेड्स ऑफ सीड्स में जिनके पास वो दोनों है तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा होता है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेट इसको मोस्ट क्रूशियल स्टेप कहा जाता है एंड दिस रिक्वायर केयरफुल इवोल्यूशन ऑफ द प्रोजेन प्रोजेन मतलब जो बच्चे आए ऑफस्प्रिंग आए हैं उनको केयरफुल इवेलुएट करो कि इनमें सुपीरियर कौन है दिस स्टेप्स रिजल्ट इन द इल्ड ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जिसको हम हाइब्रिड बोलते हैं अब तुम्हें मिल जाएगा स्टेप के बाद लेकिन आपको तो पता है बेटा आपको तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ाई हुई है आपको तो एपोमिक्सिस भी पढ़ाया हुआ है ये जो हाइब्रिड ट्रेड्स आई है ये जो हाइब्रिड ट्रेड्स आते हैं वो तो एक ही जनरेशन तक रहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन में तो वो सेग्रीगेट कर जाते हैं तो ऐसा क्या चीज करें कि हाइब्रिड ट्रेड्स थ्रू आउट दी जनरेशन मेंटेन रहे तो तुम बोलोगे मैम एपोमिक्सिस करा दो एपोमिक्सिस में तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल सही कह रहे हो और मेरे बच्चे इतना सोच पा रहे हैं दैट मीनस उनको याद होगा बट एपोमिक्सिस यही सेक्शुअल है ना बेटा उसमें वेरिएशन नहीं मिलता है हमें सेक्शुअल भी चाहिए और हमें ये भी चाहिए कि ट्रेड सेग्रीगेट ना करें तो क्या कराना चाहिए आओ देखो क्या कराना चाहिए एनसीआरटी कहती है कि जो सुपीरियर हाइब्रिड है इसके ट्रेड्स अगर चाहते हो सेग्रीगेट ना करें तो इसको सेल्फ पॉलिनेट कर दो तब तक सेल्फ करो तब तक सेल्फ करो बार बार सेल्फ पॉलीनेट करो जब तक ये होमोजाइगस प्योर लाइन के फॉर्म में ना आ जाए और मेरे बच्चों मेंडल वाला तो चैप्टर पढ़ चुके हो आप होमोजाइगस और प्योर लाइन की वजह से क्या होता है होमोजाइगस और प्योर लाइन आने की वजह से अगर होमोजाइगस है तो ट्रेड्स कहाँ ही सेग्रीगेट कर जाएंगे? ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ है ये सुपीरियर हाइब्रिड को सेल्फ पॉलिनेट करो अंटिल दे रीच द स्टेट ऑफ होमोजाइगोसिटी उसके बाद ट्रेड सेग्रीगेट नहीं करेंगे अगर कर भी गए तो सेम ही तो मिलेगा सारे उसमें ठीक है इसके बाद जब ये सब तुमने कर लिया है लास्ट स्टेप होता है जो सीड तुमने बनाई है बेटा उसको कमर्शियल लेवल पर रिलीज़ कर दो बट कोई भी मार्केट में चीज़ आती है ना बेटा तो एज इट इज़ नहीं आ जाती उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होती है जैसे खाने का भी कोई सामान आता है ना बेटा आपने खाने के पीछे एक स्टैंप देखा होगा ऐप से शुरू होता है ट्राइंगल जैसा इस टाइप का होता है तो अब वो क्यों होता है वो एक सर्टिफिका सर्टिफाइड मार्क है दैट मीन्स येस दिस प्रोडक्ट इज सुटेबल फॉर ईटिंग एंड समथिंग लाइक दैट है ना आपने सुना होगा बेटा मैगी एक टाइम पर बैन हो गया था 2015 के आसपास की बात है क्योंकि उसके मसाले में कोई केमिकल निकला था ठीक है फूड प्रोडक्ट बार बार चेकिंग होता है अगर तुम्हारा चेक रूल से कुछ चीज़ें हैं उसमें ऐसी हार्मफुल केमिकल चीज़ें तो बैन कर दी जाती है और ये हुआ था शायद तुमने सुना भी होगा तुम छोटे हो गए बट सुना ज़रूर होगा ठीक है तो सिमिलरली सीड के साथ भी अब सीड को टेस्ट कैसे करोगे सीड को उगा उगा के ही तो टेस्ट करोगे तो पहले इसको लैब में उगा करके देखा जाता है फिर इसको खेतों में ले जाकर के चेक किया जाता है अब खेत भी बेटा डिफरेंट प्रकार के होते हैं क्योंकि जिस प्रकार का क्लाइमेट उस प्रकार की मिट्टी चेंज हो जाती है साउथ का क्लाइमेट नॉर्थ से अलग है ईस्ट का क्लाइमेट वेस्ट से, से अलग है तो हर क्लाइमेटिक जोन में उस सीड को उगा करके टेस्ट किया जाता है जब वो सारे टेस्ट को पास कर जाते हैं तब उसको सर्टिफाई करके मार्केट में कमर्शियल लेवल पर रिलीज किया जाता है तो देखो क्या लिखा हुआ है जो भी सिलेक्टेड लाइंस होती हैं बेटा उसको टेस्ट करते हैं रिसर्च रिसर्चर्स फील्ड में ठीक है जो रिसर्च कर रहा है क्यों चेक किया जाता है उसके क्वालिटीज को चेक करने के लिए और उसके डिजीज रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए फॉर दीज टू क्वालिटी सिलेक्टेड लाइन्स आर टेस्टेड उसके बाद टेस्टिंग को टेस्टिंग की जाती है फील्ड में और उसके बाद उस सीड का परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाता है कि वो सीड कैसा परफॉर्म कर रही है जब तुमने उस सीड को फर्टिलाइजेशन अप्लाई किया है उसकी सिंचाई की है और जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं एग्रीकल्चर में इन तीनों चीज़ों में वो सीड कैसा परफॉर्म कर रहा है कैसा रिजल्ट दे रहा है तीनों के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है ये सब होने के बाद क्रॉप्स को टेस्ट किया जाता है खेतों में ले जा कर के बाई ग्रोइंग इन अ डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर हर डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में जाओ उसको उगाओ और देखो और सही है तो मार्केट लेवल पर रिलीज कर दो फिर किसान उसको वहाँ से खरीद सकते हैं ठीक है तो ये डिफरेंट स्टेप्स होता है बेटा प्लांट ब्रीडिंग का पांच स्टेप्स है यू हैव टू राइट पांच स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग और जब भी क्वेश्चन आएगा बेटा तो ज्यादा मार्क्स का ही आएगा बिकॉज आपने खुद देखा कितना कुछ लिखने का है इसमें है ना इसके बाद हम चलते हैं बेटा और बात करेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन की क्योंकि प्लांट अब हमें ना एक एक करके सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ने प्लांट ब्रीडिंग के प्लांट ब्रीडिंग समझ लिया प्लांट ब्रीडिंग का स्टेप समझ लिया अब हमें डिफरेंट uh, मोटो पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग का तो हमने सबसे पहले एक मोटो पढ़ा था क्वांटिटी इंक्रीज़ करना और क्वांटिटी इंक्रीज करने का बेटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल था वो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला तो आओ पढ़ते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन वाला इंडिया इज मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री सबको पता है कृषि प्रधान देश है हमारा एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर

लॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है बेटा 62 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन को इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा चैलेंज हमारी कंट्री फेस कर रही थी कि इनफ खाना प्रोड्यूस कर सको इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए क्योंकि उस टाइम तक बेटा हमारे पास लिमिटेड लैंड था और लिमिटेड लैंड पर लिमिटेड कल्टिवेशन कर सकते थे और लिमिटेड फूड ही बन सकता था लेकिन हमारी इंडिया की पॉपुलेशन बेटा थी ठीक है इंडिया हैज़ टू सर्वाइव सॉरी इंडिया हैज़ टू स्ट्राइव टू इंक्रीज इट और इंडिया कुछ ना कुछ करना था बेटा जैसे वो अपने ईल्ड को पर इंक्रीज कर सके जैसे हमें खाना मिल सके ठीक है तो इन्होंने बहुत सारे हाई इल्डिंग वाइटीज को प्रोड्यूस किया व्हीट एंड राइस के इन द मिड नाइन्टी और इसी एरा को हमने ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम दिया था और ये क्यों हो पाया था बेटा बिकॉज ऑफ दी वेरियस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स जिसकी वजह से ड्रामेटिकली देज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन इन आवर कंट्री और इस फेस को हम ऑफन किस कि, किस किस एरा से रिजेंबल करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से तो एन में कुछ हाई इल्डिंग क्रॉप वेराइटीज़ के एग्जाम्पल हैं ये मेज़ है ये सोनालिका है ये ठीक है वीट की वैरायटी और ये मटर है ये हाई इल्डिंग वीट वैरायटीज़ है जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम बनाया गया था और ये पॉसिबल था ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्निक किसकी प्लान ब्रीडिंग की तो एक एक करके सारे ग्रीन रिवोल्यूशन के एग्जांपल देखते हैं बट बिफोर टेकिंग द दे एग्जाम्पल देखो आपको ये थोड़ा बातें एन की बता देते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन थर्टी ऑफ़ जी ये क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया दैट इज़ थर्टी थ्री परसेंट ऑफ जी डी पी सिर्फ इकोनॉमी नहीं एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है सिक्सटी टू परसेंट ऑफ दी पॉपुलेशन को और इंडिया कैसा है एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है उसके बाद देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं 1960 से मिड 1960 से लेकर के 2000 में दे वॉज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड वीट और ये क्यों हो पाया था बेटा बिकॉज ऑफ द टेक्निक ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्लांट ब्रीडिंग से आपने सेमी डॉर्फ वराइटीज राइस और वीट की बनाई और यही वराइटीज़ का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था इन द मिलियन टनस ठीक है और इस एरा जिस टाइम पर ये हुआ था उस एरा को फिर क्या नाम दिया गया था बेटा ग्रीन रिवोल्यूशन तो हम उस टाइम पर जितने भी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था जिस भी क्रॉप का वो पढ़ने वाले राइस का पढ़ेंगे वीट का पढ़ेंगे शुगर के इनका पढ़ेंगे मिलेट्स का पढ़ेंगे चार एग्जाम्पल्स हम ग्रीन रेवोल्यूशन का पढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला है वीट जिस जीन ने ये वीट बनाया जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा आया था वो जीन का नाम था नॉरेंटे इस जीन को आ, रिपोर्ट करने वाले साइंटिस्ट जो थे मतलब आप यह समझ सकते हो कि एक नोबल ऑरियेट थे बेटा नॉर्मन ई बोरलॉग, एक ये रिसर्च सेंटर पर थे सिचुएटेड मतलब थे

वीट का एग्जाम्पल बताओ जिसने ग्रीन रिवोल्यूशन लाया था तो वो है सोनालिका और कल्याण सोना नाम से आपको पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे वेरायटी है वर इंडियन वेराइटी क्योंकि ये मैक्सिको में डेवलप किया गया था इसकी मैक्सिकन वेरायटीज भी होती है बेटा जिसका नाम होता है सोनोरा 64 एंड लर्मा रोजो लर्मा रोजो ये भी वीट वैरायटी हैं बट दीज आर मैक्सिकन वेराइटीज ठीक है ओके नेक्स्ट राइस राइस सेमी डॉर्फ राइस की वजह से हुआ था सेमी डॉर्फ राइस बनाने वाला जो जीन था जिसको ढूंढा कहीं गया था और उस जीन को इनकॉर्पोरेट राइस की वैरायटी में करके वो सेमी डॉर्फ राइस कहाँ बनाई गई थी आई आर आर आई में ठीक है तो देखो क्या है कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है दी जी वो जन एन सी आर टी में नहीं है बेटा ठीक है आप समझ लो आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है ठीक है तो ये नाम आपको पता चल रहा है ना थोड़ा सा इट इज़ साउंडिंग चाइनीज तो वाइट इज साउंडिंग चाइनीज तो समझ लो उसी के थोड़ा सिमिलर Uh, जहाँ पर इस प्रकार की लैंग्वेज होती है उसी कंट्री में इस जीन को रिपोर्ट किया गया था जिस जीन वॉज़ रिपोर्टेड इन ताइवान ठीक है ताइवान में रिपोर्ट किया गया था वहाँ पर मिला था इस जीन को लाया गया फिलीपींस कहाँ पर एक रिसर्च सेंटर पर उस रिसर्च सेंटर का नाम था आई आर आर आई इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट दिस इज सिचुएटेड इन फिलीपींस तो इस जीन को ला करके राइस वैरायटी में इनकॉर्पोरेट किया गया उसका जो रिजल्ट था वो स्वेमी डॉर्फ राइस था जिसने ट्रेमेंडस इंक्रीज किया राइस के प्रोडक्शन राइस का ग्रेन बढ़ गया उसको और ये बन गया ग्रीन रिवोल्यूशन का एग्जाम्पल तो आप देखो जया रत्ना जया रत्ना कहां के हैं इनको जया रत्ना नाम से पता चल रहा है आर द दी इंडियन वैरायटी ऑफ राइस कहां से बनाए गए थे दे वर डेवलप्ड फ्रॉम आई आर एट एंड ताइनचुग नेटिव वन ये कौन सी वैरायटी थे ताइवान वैरायटी थी ठीक है उसके बाद शुगर केन भी होता है और मिलेट्स भी होता है ग्रीन रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं ठीक है देखो आप देखो आपको बहुत सारी चीजें रटने वाली ही हैं तो ग्रीन रेवोल्यूशन में नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे शुगर केन शुगर केन के दो वराइटीज हैं बेटा एक है नदन वरायटी और एक है सदन वरायटी तो साउथ वाले लोग होंगे जो नॉर्थ वाले लोग होंगे उनको पता होगा कि साउथ का गन्ना ज्यादा अच्छा होता है बिकॉज गन्ना अच्छा किस रूप में आप बोलोगे जिसकी मोटी स्टेम हो क्योंकि मोटा जितना स्टेम होगा उतना ज्यादा जूस निकालोगे उतना ज्यादा शुगर कंटेंट होगा तो नॉर्थ का गन्ना पतला होता है इतना थिक नहीं होता तो पतला स्टेम है तो कम जूस निकलेगा कम शुगर कंटेंट होगा साउथ वाले को नोबल शुगर केन कहते हैं क्योंकि इसकी मोटी स्टेम होती है और गुड अमाउंट ऑफ शुगर निकलता है और इसकी इल्ड भी बेटर होती है यहां वाला नॉर्थ का गन्ने का नाम होता है बारबेरी साउथ वाले गन्ने का नाम होता है ये वाला इतना अच्छा नहीं होता पुअर शुगर कंटेंट होती है क्यों क्योंकि इसकी स्टेम बहुत पतली होती है उसकी इल्ड भी इतनी अच्छी नहीं होती लेकिन हम नॉर्थ वाले को सॉरी साउथ वाले को नॉर्थ में ला करके नहीं उगा सकते तो मैं लग रहा है कि साउथ का अच्छा है तो चलते हैं साउथ के जितने भी गन्ने के पेड़ हैं सीड वीड लाला के यहाँ उगा लेते नहीं उगा सकते बेटा क्यों क्योंकि नॉर्थ और साउथ का क्लाइमेट अलग है साउथ की चीज़ तुम नॉर्थ में नहीं ग्रो कर सकते क्लाइमेट अलग है सॉइल अलग है तो क्या कर रहे हम खराबी गन्ना खाएं नहीं क्या कर सकते हो आप इन दोनों को हाइब्रिडाइज कर सकते हो और हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सुपीरियर होगा ठीक है तो देखो क्या किया गया एनसीआरटी लिखती है कि इन दोनों को क्रॉस करा दिया गया क्रॉस क्यों कराते हैं टू गेट अ न्यू वैरायटी और उस न्यू वैरायटी में तुम्हें डिजायरेबल ट्रेड मिलता है डिजायरेबल ट्रेड क्या मोटी स्टेम हो ईल्ड अच्छा हो और उसको नदन क्लाइमेट में तुम ग्रो भी कर सकते हो देखो लिखा भी हुआ है थिक स्टेम हो हाई ईल्ड हो एंड कैन बी इजली ग्रोन इन अ नॉर्थ ईल्ड ठीक है और लास्ट है बेटा मिलेट्स तुमने मिलेट्स जोग्राफी में पढ़ा होगा मिलेट्स ग्रुप होता है जितने भी छोटे छोटे सीड्स वाले प्लांट होते हैं ना उनके ग्रुप को हम मिलेट्स कहते हैं इसमें ज्वार आ गया बाजरा आ गया मेज मेज आ गया मेज का देखें ना कितनी छोटी छोटी सीड्स होती हैं ठीक है ठीके? तो इनको क्यों बनाया गया था इनकी भी हाई आ, जो ईर्ट तो इंक्रीज हुई थी ईर्द के रिस्पेक्ट में तो अच्छे थे और कुछ ऐसे वैरायटी भी बनाए गए थे बेटा जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ट्रॉलरेट करते थे जैसे देखो लिखा हुआ है आ, कि हाइब्रिड ब्रीडिंग हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ सेवरल हाई एल्डिंग वराइटीज इनकी हाई एल्डिंग वराइटीज़ बनी और कुछ ऐसे वराइटीज भी बनी बेटा दे वर रेजिस्टेंट टू वाटर स्ट्रेसिस क्योंकि आपको पता ना प्लांट ब्रीडिंग का एक और ऑब्जेक्टिव था कि ईर्द तो बढ़ाओ साथ ही साथ इनका ताकत भी इंक्रीज करो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को ये झेल सके क्योंकि ये आपको एरिड रीजन सेमी एरिड रीजन से मिलते हैं तो ऐसा नहीं कि बारिशें नहीं होती uh, uh, तो थी, थी, थी तो ये सारे एग्जाम्पल थे बेटा ग्रीन रेवोल्यूशन के आप ईड बढ़ा लो बट अगर आपके प्लांट को डिजीज लग जाए तो फायदा क्या है तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस तो पढ़ते हैं आपको पता है बेटा बहुत सारे फंगल बैक्टीरियल और वायरल पैथोजेंस होते हैं जो हमारे क्रॉप स्पीशीज़ को ख़राब कर देते हैं स्पेशली क्यों किस क्लाइमेट में ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का वेदर कैसा होता है बेटा वार्म एंड मॉइस्ट और मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है कि वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन दीज आर दी फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स कौन से माइक्रोब्स फॉर दी पैथोजेंस, फॉर दी फंजाए, ठीक है फॉर दी बैक्टीरिया। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स का मौसम वेदर ऐसा है और उस वेदर में अच्छे खासे माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं दैट इज वाई ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में पैथोजन की वजह से क्रॉप का लॉस ज्यादा होता है ठीक है क्रॉप लॉस 20 से 30 परसेंट हो सकता है और कभी कभार तो पूरा का पूरा खेत क्रॉप ही खराब हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिजीज एंड समाइम्स पूरा का पूरा टोटल इस सिचुएशन में जो ब्रीडिंग है और जो डेवलपमेंट है कल्टिवर्स की इट शुड बी रेजिस्टेंट टू डिजीज़ और क्योंकि रेजिस्टेंट टू डिजीज़ होगा तभी आप फूड प्रोडक्शन को इन्हांस कर पाओगे अदरवाइज़ तुम बढ़ा तो रहे हो बट कीड़े लग जाएँ डिजीज लग जाए तो फ़ायदा क्या होगा तुम्हारी तो खेती ख़राब दिस ऑल्सो हेल्प्स रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द यूज़ ऑफ फनजीसाइड एंड द बैक्टीरियो साइड्स देखो एक तो तरीका ये भी होता है अगर तुम्हारा कोई फंगल कोई बैक्टीरिया तुम्हारे प्लांट को खराब कर रहा है तो तुम केमिकल्स लाओ फनज फंग, फंगस ख़राब करा तो फंजी साइड स्प्रे कर दो बैक्टीरिया खराब करा तो बैक्टीरियो साइड स्प्रे कर दो ये भी तरीका होता है बट इससे क्या होता है बेटा वो है तो केमिकल और केमिकल का साइड इफेक्ट होता है इशू में था ना कि जो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं इट इज गोइंग टू क्रिएट अ पोल्यूशन एज वेल अदर इफेक्ट्स तो है ही सॉइल पोल्यूशन भी हो सकता है तो फायदा क्या हो रहा है तुमने टेम्परेली तो उसका इस्तेमाल कर लिया बट लॉन्ग टर्म पे इकोसिस्टम पर कितना खतरनाक उसका असर हो सकता है तो इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग दिस केमिकल्स तो प्लांट ब्रीडिंग ही ऐसा करो कि जो प्लांट आने वाला है उसमें ना फंगस का अटैक हो सके ना बैक्टीरिया का अटैक हो सके मस्त मज़ा ही मज़ा ठीक है और रेजिस्टेंट ऑफ द होस्ट प्लांट इज द एबिलिटी टू प्रिवेंट द पैथोजन फ्रॉम कॉजिंग डिजीजेज एंड इट इज डिटर्माइंड बाई दी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दी होस्ट प्लांट अब जैसे टोबैको मोजैक वायरस है बेटा आपको पता है ना ये जो पैथोजेंस होते हैं होस्ट स्पेसिफिक होते हैं अपने ही होस्ट को प्लांट को खराब करते हैं तो अगर आप चाहते हो कि उस प्लांट में उस वायरस का अटैक ना हो तो आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जेनेटिक कॉम्पोजिशन देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से प्लांट ब्रीडिंग करनी पड़ती है सो so दैट वो वायरस या वो फंजाई उस प्लांट को ना खराब कर सके तो प्लांट ब्रीडिंग जब आप डिजीज रेजिस्टेंस के लिए करते हो ना तो उसके लिए प्लांट का जीनोटाइप भी मैटर करता है इन्वायरमेंट भी मैटर करता है और तुम्हारा जो पैथोजन है उसका जीनोटाइप भी मैटर करता है ये सारी चीजें मिल मिलती हैं प्लांट ब्रीडिंग का जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा जो प्लांट आएगा वो तुम्हारा डिजीज रेजिस्टेंस आएगा उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है बिफोर ब्रीडिंग इज टेकन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब पैथोजेंस जो बीमारी कॉज करते हैं रिस्पेक्टिव प्लांट में जैसे ये सब बेटा तुमने इलेवेंथ में पढ़ा हुआ है तुम्हारे लिए कुछ नया नहीं है जैसे ये देखो कुछ डिजीज के एग्जाम्पल लिखे हैं फंजाई जैसे रस्ट फंजाई पक्सी ने रस फंजाई याद आया और पक्सनिया क्या काज करता था ब्राउन रस्ट ऑफ वीट वीट के खेती को खराब कर देता था फंजाए। फिर एक होता है रेड रॉट ऑफ शुगर केन ठीक है रेड रॉट का था कोलेटो ट्राइकम भी फंजाए होता है तो देखो शुगर केन को खराब करने वाला भी फंजाए वीट को खराब करने वाला भी फंजाए ठीक है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ठीक है पोटैटो मैंने आपको एक बार अभी एग्जाम्पल लिया था ना कि आइलैंड में पूरी की पूरी खेती खराब हो गई थी वो खराब करने वाला फंगस ही था ये जो तीनों एग्जाम्पल ये ना एक दो तीन ये तीनों बीमारी जो प्लांट्स की ना दैट इज बिकॉज ऑफ द फंगस उसके बाद देखो बैक्टीरिया वाला एग्जाम्पल लिया है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर्स क्रूसीफर्स मस्टर्ड फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो बैक्टीरिया मस्टर्ड वाले प्लांट को खराब कर सकते हैं वायरस कौन सा डिजीज कॉज करता है टोबैको मोजाइक डिजीज टोबैको मोजाइक वायरस तो आप देखो हमारे वायरस पंजाए बैक्टीरिया कितने सारे प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं और प्लांट्स को खराब करना देट मीन्स ग्रेन्स प्रोडक्शन सब कुछ खराब हो जाना तो इनको अगर तुम्हें बचाना है करो प्लांट ब्रीडिंग ठीक है तो आओ लेट सी प्लान ब्रीडिंग तो प्लान ब्रीडिंग कैसे करोगे डिजीज रेजिस्टेंस के लिए तो चार तरीके होते हैं बेटा एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग कर लो म्यूटेशन ब्रीडिंग कर लो जेनेटिक इंजीनियरिंग कर लो सोमा क्लोनर वेरिएशन कर लो जेनेटिक इंजीनियरिंग तुमने बायटेक में पढ़ लिया होगा बीटी बीटी कॉटन और बीटी टी ब्रिंजल जिस तरीके से वो प्लांट बनाए गए थे ठीक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का रिजल्ट था ये दोनों तो हमारी एनसीआर पढ़ाती है ये आगे पढ़ लोगे सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल ब्रीडिंग एन हमारी कहती है कन्वेंशनल ब्रीडिंग का स्टेप हमारे प्लांट ब्रीडिंग के स्टेप से मिलता है प्लांट ब्रीडिंग स्टेप में क्या किया था हमने जर्म प्लाजम लिया था ठीक है उसके बाद पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था पेरेंट्स सेलेक्ट करने के बाद हाइब्रेशन किया था हाइब्रेशन करने के बाद हम बच्चे को इवेलुएट और सेलेक्ट करते हैं उसके बाद उसको टेस्ट और रिलीज कर देते हैं कमर्शियल लेवल पर देखो स्टेप्स इट इज सेम एनसीईआरटी भी लिखती है बट इन सारे स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हाइब्राइजेशन एंड सिलेक्शन ये भी एन लिखती है ठीक है तो एन ने उसके बाद एक टेबल बना रखा है इस टेबल को बेटा आपको याद करना पड़ेगा आ, सबसे अच्छा तरीका होता है जितनी बार लिख लोगे ठीक है एक बार इस टेबल को याद करके लिख लो एक बार नहीं जिनको एक से याद नहीं होता उनको एक से ज़्यादा बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा फिर ये टेबल आपको याद हो जाएगा ठीक है तो देखो क्या लिखे हैं यहाँ पर डिफरेंट क्रॉप्स हैं इन क्रॉप्स की ये डिफ़रेंट वराइटीज़ हैं और ये वराइटी किस प्रकार के डिजीज रेजिस्टेंस है वो दिया हुआ है जैसे मैं आपको एक बताती हूँ वीट की एक वैरायटी डेवलप की गई बेटा कन्वेंशनल ब्रीडिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके स्टेप्स आपको पता है क्या है दैट इज हिमगिरी ये जो वीट की वैरायटी थी इसको लीफ एंड स्टाइप रस्ट नहीं लगता था ये बीमारी नहीं होती थी ना हेल्ड बंट होता था ब्रासिका की एक वैरायटी थी बेटा पूसा स्वर्णिम जिसको करण राय कहते हैं इसको वाइट रस्ट नहीं लगता था कॉलीफ्लावर पूसा सुब्रा या पूसा स्नोबॉल केवन इसकी ये दोनों वैराइटीज़ डेवलप की गई थी बिकॉज ऑफ द कन्वेंशनल ब्रीडिंग और इन वरायटी को ब्लैक रॉट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रॉट नहीं लगता था काऊ पी पूसा कोमल उसकी वैरायटी थी बेटा उसको बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ नहीं लगती थी चिली की एक वैरायटी बनाई गई थी पूसा सदाबहर उसको ना चिली मोजाक वायरस लगता था ना टोबैको मोजाक वायरस ना लीफ कर्ल तो दिस इज आउ इन क्रॉप्स इन सब के नाम आपने सुने होंगे इनकी रिस्पेक्टिव वरायटीज़ बनाओ प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक का इस्तेमाल करके कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके और उनको अपने इन डिजीज से बचा सकते हो बट एनसीआर हमारी कहती है बेटा कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग के लिमिटेशंस होती हैं क्या लिमिटेशंस हैं? कन्वेंशनल ब्रीडिंग इट इज ऑफन एन कंस्ट्रेंड कस्ट्रेंड का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड किस वजह से ये रिस्ट्रिक्टेड है किस वजह से हम इनका इतना अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दी अवेलेबिलिटी ऑफ दी लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स मतलब हर क्रॉप्स के लिए आपके पास डिजीज रेजिस्टेंट जीन्स नहीं है देखो हीमगरी बनाया गया किस किसकी वैरायटी थी वो वीट की तो हीमगरी बनाने के लिए साइंटिस्ट uh, के पास जो भी हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट थे उनके पास वो डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन थी तो उन्होंने वो वैरायटी बना ली उस क्रॉप की हर क्रॉप के लिए डिजीज़ रेजिस्टेंट जीन्स अवेलेबल नहीं है जिस क्रॉप के लिए है तुम सिर्फ उसी क्रॉप के लिए एक कन्वेंशनल ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके वो डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी कर सकते हो हर क्रॉप्स के लिए कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास लिमिटेड नंबर है डिजीज रिजिस्टेंट जीन्स का दैट आर प्रेजेंट एंड दैट कैन बी आइडेंटिफाइड इन वेरियस क्रॉप इसीलिए हमें अलग प्रकार के म्यूटेशनल सॉरी अलग प्रकार के ब्रीडिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि कन्वेंशनल ब्रीडिंग हर तरह हर जगह हर क्रॉप में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ब्रीडिंग क्या है लिमिटेशन बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज डिजीज रेजिस्टेंस जीन्स दिस इज़ द लिमिटेशन एंड दैट इज वाई वी हैव टू टेक द अदर टाइप ऑफ ब्रीडिंग जिसकी मदद लेकर के आप क्या कर सकते हो आप आ, ऐसे प्लांट बना सकते हो जो कि डिजीज रेजिस्टेंस हो तो देखो लिखा हुआ है हम म्यूटेशंस इंड्यूस करा सकते हैं प्लांट्स में ठीक है अलग अलग मीन से आपको मैंने पढ़ाया है ना म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करते हो आप म्यूटेशन इंड्यूस कराने के लिए देखो बेटा नेचुरल म्यूटेशन भी होती है बट नेचुरल म्यूटेशन बहुत टाइम लेकर के होंगी आप सोच रहे हो कि तुम्हारे वीट को डिजीज़ लग रही है कोई नहीं वेट करते हैं शायद म्यूटेशन होगी तो कोई ऐसा वैरायटी आ जाएगा फिर उस वीट को नहीं लगेगी डिज़ीज़ बेटा तुम ऐसे सोच में पड़ गए ना तो म्यूटेशन पता नहीं कब जा कर के होगी और तब तक हो सकता है वो डिजीज़ लग लग के वो प्लांट ही खत्म हो जाए तो तुम वेट नहीं कर सकते नेचुरल म्यूटेशन का यू हैव टू इंड्यूस म्यूटेशन और म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए तुम्हें म्यूटाजेंस की मदद लेनी पड़ती है तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंड्यूस करो म्यूटेशन प्लांट में डाइवर्स मीन्स के थ्रू डाइवर्स मीन्स के थ्रू मतलब म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करके ठीक है ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जेनेटिक्स में म्यूटाजेंस का इस्तेमाल करो अब म्यूटाजेंस तुम्हारे केमिकल भी हो सकते हैं या तो केमिकल न्यूटर्जेंट्स का इस्तेमाल करो म्यूटेशन इंड्यूस करने के लिए या फ़िज़िकल म्यूटरजेंस का इस्तेमाल करो फिज़िकल भी आपको पढ़ाया हुआ है मैंने ठीक है यूवी रेज हो सकते हैं गामा बीटा अल्फा रेज हो सकती हैं बट अगर आपको प्लांट में म्यूटेशन इंड्यूस करना है सबसे प्रिफर म्यूटाजेंस फिज़िकल म्यूटाजन तो होता है गामा रेडिएशन तो इन रेडियशंस का इस्तेमाल करो म्यूटेशन इंडियूस करो म्यूटेशन इंड्यूस करके जब आप ब्रीडिंग कराते हो ऐसे ब्रीडिंग को हम म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहते हैं और म्यूटेशनल ब्रीडिंग करके भी बेटा बड़े सारे क्रॉप्स बनाए गए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल म्यूटेशनल ब्रीडिंग सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीडिंग विच कैन रिजल्ट इन द डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी म्यूटेशनल ब्रीडिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग तो म्यूटेशनल ब्रीडिंग आपको बताया म्यूटेशन के इस्तेमाल करते हो जैसे पाउडरी एक सकेंड बीन का एग्जाम्पल लिया हुआ है बीन मूंग बीन सबको पता होगा एक दाल की वैरायटी होती है छोटी छोटी बीन्स के शेप में सब खाते होंगे है ना तो बीन वाज मेड रेजिस्टेंट टू येलो येल्लो वायरस येलो मोज़ैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू और ये पॉसिबल कब हुआ बेटा आफ्टर म्यूटेशनल ब्रीडिंग म्यूटेशनल ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके और अगर मैं म्यूटेशनल ब्रीडिंग कहती हूँ उसका मतलब क्या होता है बेटा म्यूटेशंस का इस्तेमाल किया गया और म्यूटेशंस के इस्तेमाल के बाद जो वैरायटी बन करके आई दैट वाज रेजिस्टेंट टू पाउडरी माइल्ड्यू एंड येलो मोजैक वायरस तो अब ये जो मूंगबीन थे उनको ये दो कीड़े नहीं लगते थे ठीक है इसके बाद इन्होंने भिंडी की वैरायटी को भी येलो मोजैक वायरस से रेजिस्टेंट बनाया गया था देखो आप पढ़ोगे एन में तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंट टू येल्लो मोजैक वायरस इन भिंडी एबल मोस्कस एस्कुलेंटस उसको ट्रांसफ़र किया गया था वाइल्ड स्पीशीज़ ठीक है तो वाइल्ड वैरायटी कौन था एबल मॉस्कस मैनी हॉट ठीक है एक दूसरा एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल है आपको मैंने ये भी एक्सप्लेन किया ब्रीडिंग अगर आपसे पूछा जाए म्यूटेशन ब्रीडिंग को डिफाइन करो ब्रीडिंग डन बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन बाय इंड्यूसिंग म्यूटेशन टू गेट न्यू वैरायटी रेजिस्टेंट टू डिजीज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस इट इज इंड बाय म्यूटेंस इधर केमिकल और फिजिकल फिजिकल म्यूटाजेंस जो इस्तेमाल करना चाहिए फॉर प्लांट्स दैट इज गामा ये भी लिख दिया मैंने आपके लिए ठीक है अब एक एग्जाम्पल आपने मूंग बीन का पढ़ा कि मूंग बीन को जो रेजिस्टेंट बनाया गया था वो म्यूटेशन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके बनाया गया था फिर दूसरा एग्जाम्पल है भिंडी का भिंडी के बेटा दो वराइटी थे कौन सी वराइटी थी एक था एबल मॉस्कस मैनी और एक था बेटा एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस ये भिंडी की वाइल्ड वैरायटी थी इस भिंडी की जो वाइल्ड वैरायटी थी इसकी ईल्ड तो अच्छी इतनी ख़ास थी नहीं ठीक है बट इसके पास एक डिजीज रेजिस्टेंट था इट हैज़ जीन फॉर रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस और ये जीन को इस वाइल्ड वैरायटी ऑफ भिंडी से निकाल करके दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड कॉर्पोरेटेड इन एबल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस इसके बाद क्या हुआ बेटा इनकॉर्पोरेशन के बाद जो न्यू वैरायटी आई उस न्यू वैरायटी को क्या कहा गया परभानी क्रांति परभानी क्रांति क्या है बेटा भिंडी की ही वैरायटी है और ये जो नई वैरायटी आई थी दिस वाज रेजिस्टेंट टू येलो मोजैक वायरस तो हमने ये वैरायटी भिंडी की पहले वाली वैरायटी से ही बनाया समझ लो इन दोनों का मिक्सचर है वो इससे हमने क्या किया डिजीज़ रेजिस्टेंट वायरस निकाला ठीक है क्यों क्योंकि इसकी इल्ड इतनी अच्छी नहीं थी इसकी इल्ड अच्छी थी तो उस डिजीज रजिस्टेंट वायरस को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया तो आप जो रिजल्ट मिला आपको उसका नाम क्या रखा इन्होंने परभानी क्रांति वो परभानी क्रांति डिजीज रेजिस्टेंट भी था और साथ ही साथ क्या मिल गया आपको रेजिस्टेंट टू येलो मोजाइक वायरस भी मिल गया ठीक है अब देखो एन क्या लिखती है एन लिखती है कि जो भी आपने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं दैट इन्वॉल्व दोर्स ऑफ रेजिस्टेंस जीन्स डेफिनेटली आपको रेजिस्टेंस जीन्स चाहिए ठीक है दैट आर इन दी सेम क्रॉप स्पीशीज जैसे भिंडी का अपने भिंडी से ही निकाला डिजीज रजिस्टेंट जीन्स विच हैज टू बी ब्रेड फॉर डिजीज रजिस्टेंट वेरायटी ठीक है या आप कह सकते हो उनको आप निकालते हो रिलेटेड वाइल्ड स्पीशीज से ये जो ट्रांसफर है रेजिस्टेंट जीन्स का ये अचीव किया जाता है सेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम कह रहे ना निकालते हैं इनकॉर्पोरेट करते हैं दैट मींस हम उसमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं फिर उसको ट्रांसफर कराते हैं और हाइब्रेशन टेक्निक क्या होती है बेटा आपको ऑलरेडी पता है आर्टिफिशियल हाइब्रेशन सेक्शुअल हाइब्रिडेशन कैसे की जाती है ठीक है बिटवीन द टारगेट एंड दोर्स प्लांट और हाइब्रिडेशन हाइब्रिडेशन करने के बाद जो प्रोजनी आती है उसमें से बेस्ट प्रोजनी को आप सेलेक्ट कर लेते हो ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिजीज रेजिस्टेंस के लिए नेक्स्ट है बेटा डिजीज से तो आप बचा लोगे आपको कीड़ों से भी बचाना पड़ेगा तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट पेस्ट क्योंकि आपको पता है इंसेक्ट भी हमारे पेड़ पौधों को खराब करते हैं इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट बनाते बनाने के लिए ठीक है कुछ Uh, आपको एग्जाम्पल्स एन ने दिए हुए हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस जो होस्ट क्रॉप प्लांट्स में होता है कि अगर कोई प्लांट को कोई कीड़ा नहीं लग रहा है उसके दो तीन रीजंस हो सकते हैं पहला आपने उस प्लांट का मॉर्फोलॉजी ही चेंज कर लिया अब इंसेक्ट को वो मॉर्फोलॉजी पसंद नहीं आ रही वो उसको खाएगा नहीं इसके अलावा आप उसके अंदर कुछ बायोकेमिकल या कुछ फिजोलॉजिकल चेंज करा दो केमिकल चेंज कर दो अब वो कीड़ा उस केमिकल की के वजह से ही आ रहा था अब वो आएगा नहीं क्योंकि केमिकल ही चेंज हो गया है तो ये सब चेंजेस करा करके प्लांट्स में होस्ट प्लांट में आप इंसेक्ट्स को उनसे रेजिस्टेंट बना सकते हो तो देखो एन में लिखा हुआ है एक चीज़ ये एनसीआर में सारा कुछ बेटा टेबल के फॉर्म में नहीं टेक्स्ट के फॉर्म में बट मैं आपको एज अ टेबल पढ़ाती हूँ सो दैट आपको थोड़ा सा पढ़ने और समझने और लिखने में ईजी हो जाए तो इस टेबल में देखो क्रॉप लिखा हुआ है रेजिस्ट को, ये क्रॉप किस इंसेक्ट से रेजिस्टेंस है वो लिखा हुआ है किस वजह से रेजिस्टेंस है वो लिखा हुआ है और किस प्रकार का रेजिस्टेंस है वो लिखा हुआ है इसमें आपको मॉर्फोलॉजिकल और बायोकेमिकल ही दिख रहा होगा क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि होस्ट प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है या तो मॉर्फोलॉजिकल तरीका अपना करके या तो बायोलॉजिकल या फिजोलॉजिकल तरीका अपना करके अब देखो जैसे एक वीट है वीट के जो खेती होता है ना प्लांट्स होते हैं उसको बेटा ये वाला इंसेक्ट स्टेम सॉफ्ट लाइक ख़राब कर लेता है इसको ना स्टेम बहुत पसंद है वीट का तो वीट ने अपने स्टेम में ही बदलाव ले आया ठीक है देखो क्या किया इसने इसने प्रोड्यूस करने लगा सॉलिड स्टेम अब ये वाले इंसेक्ट को ये सॉलिड स्टेम रास नहीं आया नहीं खाते हैं अब ये वाले जो वीट का ये स्टेम था ये इस, इस इंसेक्ट से क्या हो गया रेजिस्टेंट हो गया अब ये कीड़ा उस वीट को खा नहीं रहा था तो तुमने रीजन किस प्रकार से रेजिस्टेंस लाए स्टेम में बदलाव ला करके स्टेम क्या है एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है इसलिए इसको मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं फिर एक बीटल सॉरी वीट है बेटा इस वीट को एक लीफ बीटल भी खराब कर सकते इसको वीट का लीव बहुत पसंद है तो लीफ में चेंज कर दो यस वीट ने यही किया वीट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हेयरी लीव्स अब हेयरी लीव्स इनको पसंद नहीं आया तो अब ये इसको खाते नहीं थे तो आप सोचो इन्होंने क्या चेंज किया लीफ चेंज किया लीफ इज अगेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर कॉटन को एक इंसेक्ट खराब करता है बेटा जिसका नाम होता है जेसिट्स ठीक है जेसिट्स क्या करते हैं इनको जैसिट्स को भी उनका लीव बहुत पसंद है ठीक है तो कॉटन ने सोचा अच्छा लीव पसंद है चलो लीफ को ही चेंज कर देते हैं तो इन्होंने लीफ चेंज करके अपने प्लांट को बचा लिया उस जैसिट से तो कहाँ चेंज लाए मॉर्फोलॉजिकल फीचर में इसलिए इसका कौन सा कॉन्सन बढ़ गया मॉर्फोलॉजिकल कॉटन को एक बॉल बॉलबॉम खराब कर सकता है और इसी बॉल बॉलबॉम से बचाने के लिए कॉटन का एक प्लांट बनाया गया था जो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको बीटी कॉटन कहते हैं और आप ये पढ़ चुके हो ठीक है लेकिन देखो इस बॉलबॉम से बचाने के लिए एक और तरीका अपनाया जा सकता है कॉटन ने देखो क्या किया अपने लीव्स को स्मूथ कर लिया ठीक है लीफ में भी चेंजेस लाए प्लस नेक्टर ही नहीं बनाया अब इंसेक्ट आता है ना ने, नेक्टर लेने के लिए नेक्टर ही नहीं बना रहे सोचा ये देता तो कुछ है नहीं इनके पास जाऊं क्यों तो इसने लीफ में चेंजेस लाए दैट मींस मॉर्फोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है ये और में ये केमिकल में चेंजेस लाए दैट मींस ये बायोकेमिकल रेजिस्टेंस भी है दोनों प्रकार के रेजिस्टेंस को शो करके अपने आप को उन्होंने बॉलबॉम से बचा लिया फिर एक होता है मेज मेज़ को ये इंसेक्ट स्टेम बोरर्स ख़राब कर देते हैं स्टेम बोरर जो स्टेम को छेद कर जाते हैं कुछ फ्रूट बोरर्स होते हैं फ्रूट को छेद कर देते हैं जैसे बैगन बैगन आपने देखा होगा बेटा पूरा छेद जैसे देखते हैं ना जैसे पापा लोग जब सब्जी लेने जाते हैं या मम्मी जाती हैं तो देखते हैं बैगन में कहीं छेद तो नहीं है क्योंकि छेद होने का मतलब है कि उसमें कीड़ा है वो कीड़ा क्या करता है वो फ्रूट बोरर है बोरर मतलब छेद करना वो छेद करके अंदर चला जाता उसको है उसको फ्रूट बोरर कहते हैं ये स्टेम को छेद करते तो स्टेम बोरर्स हैं ये स्टेम को खराब करते तो मेज ने क्या किया क्या चेंजेस लाया मेज ने अपने अंदर नाइट्रोजन को कम कर लिया शुगर को और एस्पार्टिक एसिड को बढ़ा लिया मतलब केमिकल में चेंजेस ला करके उन्होंने अपने आप को इस कीड़े से बचाने की कोशिश की केमिकल में चेंजेस ला करके बचाने की कोशिश की इसलिए इसको बायोकेमिकल रेजिस्टेंस कहते हैं तो देखो ये जो प्लांट है अपने आप को इस पेस्ट से बचाए इन सारे चेंजेस को ला करके ये चेंजेस को क्या कहते हैं वो भी हमने लिख लिया है ठीक है इसके बाद एन ने ये एग्जाम्पल दिया है ठीक है कि ये ये प्लांट्स बनाए गए थे इस देखो ये प्लांट्स थे क्रॉप्स थे इन क्रॉप्स की ये वैरायटी बनाई गई और ये वैरायटी इन कीड़ों से बच गए थे ये जो भी वराइटी बनाई गई थी इसमें दो मेन स्टेप इन्वॉल्व होती जिस पता है एक तो हाइब्रिडाइजेशन एंड एक सिलेक्शन क्योंकि हाइब्रेशन एंड सिलेक्शन बेटा प्लांट ब्रीडिंग के सो दो सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है एकदम स्टार्टिंग के एनसीआर के स्क्रीन में भी लिखा हुआ था तो देखो ब्रासिका जिसको रेप सीड मस्टर्ड भी कहते हैं इसकी एक वराइटी बनाई गई पूसा गौरव पूसा गौरव को एफिट्स नहीं ख़राब कर सकते तुमने एफिट्स देखा होगा नहीं देखा बेटा गूगल करना एक छोटा सा कीड़ा होता है शायद देखा होगा नहीं देखा है तो गूगल करना तो आपको समझ में आ जाएगा एफिट्स क्या होते हैं उसके बाद फ्लैटबीन फ्लैटबीन की दो वैरायटी बनाई गई पूसा सेम टू पूसा सेम थ्री ना इसको जैसेट्स खा सकते थे ना एफिट्स ना फ्रूट बोर छेद करने वाले जो कीड़े होते हैं फिर ओकरा भिंडी को कहते हैं सबको पता होगा इसकी दो वैरायटी बनाई गई थी पूसा सवानी पूसा ए फोर इसको ना स्टेम बोरर इन्फेक्ट कर सकता है ना फ्रूट बोरर इन्फेक्ट कर सकता है एंड दिस इज हाउ ओकरा बच गया था भिंडी में भी कीड़े होते हैं ना होते हैं ना इसलिए तो अच्छे से काटनी चाहिए भिंडी को येस इसके बाद एक नोट पॉइंट है कि ये जो भी ब्रीडिंग टेक्निक्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए बनाई गई थी उसमें वही सेम स्टेप्स होता है तभी तो मैंने बताया कि हाइड्रेशन सिलेक्शन इसमें भी है तो इनके जो डिजीज रेजिस्टेंट सोर्स है ये कल्टिवेटेड वरायटी से आप ढूंढ सकते हो इंसेक्ट से बचाने के लिए कि कौन सा ऐसा कल्टिवेटेड वरायटी जिसको इंसेक्ट नहीं लगता है उसको तुम एज अ पेरेंट इस्तेमाल कर लो आर्टिफिशियल हाइब्रेशन में इस्तेमाल कर लो एज अ पेरेंट या जर्म प्लाजम में देखो जो तुमने इतनी सारी सीड इकट्ठा की है तो भिंडी की भी बड़ी सारी वरायटी इकट्ठा की होगी तो देखो उसमें से कौन सा वैराइटी है जिसको कीड़े नहीं लगते हैं उसको यूज करो ठीक है तो ये है सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट जीन्स एन लिखती है ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टुडे हमने क्या पढ़ लिया है बेटा तीन ऑब्जेक्टिव ख़त्म कर लिया है क्वांटिटी का डिजीज रेजिस्टेंस का और uh, इंसेक्ट पैसे से कैसे बचाएं अब हम क्वालिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है टिश्यू कल्चर क्या होता है ये नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए बाय एवरीवन बाय बाय